बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। थाना पासु क्षेत्र के गांव हीरापुर में एक 50 वर्षीय महिला को गलाघोंट का मार देने का मामला सामने आया है। 50 वर्षीय मृतक महिला अनीता के शव के मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अनीता का शव घर से मात्र 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला है। घर वालों का कहना है कि मृतक अनीता शौच के लिए गई थी, घर वापस न आने पर छानबीन की गई, न मिलने पर पुलिस को सूचना भी दी गई। छुट्टी पे ही भैया ने रोड उतारे के मैं रोड ले रोटी ले जब मैं वहाँ को जाऊँ इकट्ठी कर भी गेले के घर आए और रोटी दे फिर के ये चली गई तब मैंने की पॉइंट वहीं गई देखत है तब मैं नौ कह रही राजे थे भैया नौ कह दे को मम्मी वो तेरे का आवेगी भसो वहाँ में पॉइंट के नीचे तो भाई मम्मी है देख के कहाँ गई मम्मी के पड़ा तो रो मैंने की तू भाई मम्मी है देखा तो गई यहाँ मैंने की जगदीश के घर होगी और तो कहूँ जाएगी ना तो वहाँ देखे आए और वहाँ से फिर बोल रहा मैंने की भैया देखे आए वहाँ ना आए तो मैं तुरंत ही फिर गई भाई के घर को मैंने की ससी हमारी आटोरी के ना चाहती जाना आई पहले तो मत पहले आई यहाँ तो मैं बहुत देर बैठी रही वहाँ से आए के नहीं फिर तो हम सगरे में वहाँ पलक भंग पलक तलक तब मैं देखे आई हूँ दगरे दगरे जैसी वो गए दो तीन पोत साइकिल लेके दया फिर खेत पे गए दोनों भैया ऐसे ढूंढता डूबे। अच्छा 100 नंबर को फोन ना किया थाने को सूचना दी 100 नंबर फोन किया था। हाँ रात ही करो है 100 नंबर आई थी। हाँ आई कब। अच्छा 2 साल पहले। हाँ। खत्म हो गई ये विधवा थी। हाँ। क्या बच्चे इनपे 5 बच्चे। मृतक महिला का शव घर के पास खेत में मिलने से हत्या के हत्यारे घर में ही होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजने के बाद जांच शुरू कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला साफ हत्या का प्रतीत हो रहा है। हत्यारे कौन है पुलिस पता लगा ही लेगी। SSP संतोष कुमार ने घटना की जानकारी दी। एक लगभग 52 वर्षीय विधवा महिला है जिसके पति की 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। बीती रात करीब 7:30-8 बजे के आसपास अपने घर के बगल लगभग 100 मीटर की दूरी पे शौच के लिए कथित रूप से गई थी और रात को 1 बजे के आसपास उसके बेटे ने डायल 100 को सूचित किया और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तलाश किया गया तो उसका शव वहीं एक सरसों के खेत में मिला है और गला घोट करके उसकी हत्या की गई है प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है और जिस चीज़ से गला घोटा गया है उसमें उसी के घर का ही एक दुपट्टा है उसकी छोटी बहन का जो वादी है उसके छोटी बहन का दुपट्टा है उसी से गला घोटा गया है। काफ़ी संबंध में हम लोगों के पास सुराग प्राप्त हुए हैं। प्रकरण घर से ही जुड़ा हुआ है तो पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है इसके बाद हम इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मृतक महिला का शव मिलने से गाँव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला छोटे बड़े 5 बच्चे छोड़ गई है। पति 2 साल पहले ही मर चुका है। महिला की हत्या की वजह के साथ हत्यारों का खुलासा हो पाएगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए जिला बुलंदशहर से अनिल मीणा की रिपोर्ट।